सर, जैसा कि किसान सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, कुछ जानकारी। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर का सुरक्षा अधिकारी। ये किसान पंचायत मैं वाराणसी से आया हूँ। ये किसान मन पंचायत मजदूरों की है। इस देश को किसने बनाया? मजदूरों ने बनाया, किसानों ने बनाया, रेहड़ी वालों ने, पटरी वालों ने, रोपनी वालों ने, बुनकरों ने बनाया, उनका है। तो आज ये हाशिए पे क्यों, इन पे बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? क्या ऐसा अमृत महोत्सव होता है? आपने लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई, आपने 13 महीने इस देश के जो बनाने और निर्माता थे उनको आपने सड़कों पर बैठाया, क्या यही अमृत महोत्सव आपका था? तो ये सब सवालों को लेकर के जो असली मालिक इस देश की जनता है, मजदूर, किसान, जो रेहड़ी वाला, पटरी वाला, बुनकर, पगड़ी वाला, सिख समुदाय, जो इस देश का मालिक है, आज वहाँ अपनी बात इस सरकार की, जो असली इस देश में लोकतंत्र में असली मालिक कौन है? लोकतंत्र में तंत्र छोटा होता है, लोक बड़ा होता है। जनतंत्र में जन बड़ा होता, तंत्र छोटा होता है। और आज आप लोकतंत्र में मन की बात कहते हैं, बड़ी शर्म की बात है। आज लोकतंत्र सड़कों पे है और अपनी बात कहने के लिए आया है। ये आवाज हमारी दिल्ली तक गूंजेगी, उनके कानों को पिघला करके राख कर देगी। हक नहीं दिया जी, अपनी बात कहने के लिए हक भी नहीं दिया जाता है। बाद में बात कहने के लिए बोला जाता है तो उसको NI और लगभग के उसको मुंह बंद करवा दिया जाता है। BJP का आदमी सब, उसका नेता सब, इसी किसान जैसे अजय कुमार का मिश्रा का बेटा, वो गाड़ी चढ़ा दिया किसान के ऊपर, अजय कुमार मिश्रा का बेटा जो लखीमपुर खीरी में, उसके खिलाफ उसको बेल नहीं होना चाहिए। कहाँ से? हम हैं समस्तीपुर भीतीपुर विधानसभा से। तो समस्तीपुर उस तरफ भी किसान सम्मेलन हो रहा होगा? हाँ, उस तरफ भी होता है। तो यहाँ आने का कोई मुख्य उद्देश्य? यहाँ हमारे पूर्व विधायक मंजू प्रकाश वर्मा आए हैं, वो उनसे बड़े मेरा रामदेव वर्मा जी हैं, जो 6-6 बार विधायक रह चुके हैं और किसान के नेता भी रह चुके हैं। बहुत बड़ा बिहार लेवल का नेता थे, जो उनसे बड़ा नेता अभी तक कोई नहीं है। किसान के लिए, गरीब के लिए बहुत बात कहे हैं, वो हक लड़े हैं जो आज तक कोई नहीं लड़े थे।